हेलो फ्रेंड्स, हाँ दिस इज योर फ्रेंड सौरभ एंड वी आर एक्सप्लोरिंग जीटीवी नगर नाउ. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज. हम पहुंच चुके हैं देशबंधु कॉलेज. ठीक है, CUET के थ्रू मुझे कॉलेज मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी का. साउथ कैंपस में आता है, बट साउथ कैंपस के बेस्ट कॉलेजेस में से एक है. आई थिंक टॉप कॉलेज है. ठीक है, साउथ कैंपस का कुछ कॉलेज होते हैं जो मीन्स नॉर्थ कैंपस के, अगर आपको कुछ कॉलेज मिल जाए ना, तो नॉर्थ कैंपस के उन कॉलेजेस को छोड़कर साउथ कैंपस का ये कॉलेज ना कहीं ना कहीं वर्थ इट होता है अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग. इस कॉलेज की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसकी है. ठीक है, सबसे बड़ी, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स देयर. हेलो फ्रेंड्स, ये देशबंधु कॉलेज मेन बिल्डिंग. ठीक है, यहाँ से अब हम चलते हैं आगे की तरफ. हाँ, अब बोलो. ओके, इसके बारे में बोलना ही, अरे कॉलेज के बारे में बताओ, कॉलेज कैसा है ऑल ओवर? देशबंधु कॉलेज NIRF रैंकिंग में 28 पोजीशन अभी हाल फिलहाल में हासिल करी है. बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एक्सप्लोर करना है, एक साल में मन भर जाएगा. आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो? सेकंड ईयर. अच्छा, आप सेकंड ईयर के हो ना. हाँ, इधर की तरफ आओगे तो आई थिंक इसके बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं लिया मैंने. ठीक है, कि क्या है, आई थिंक पता चल जाएगा. ठीक है, कुछ दिन में ये भी आइडिया लग जाएगा. और देन अगर आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ यहाँ पे आ जाओगे तो ये हो गया हमारा न्यू ब्लॉक. ठीक है, तो न्यू ब्लॉक है, यहाँ पे पूरा आपको एरिया देखने को मिल जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये साइंस डिपार्टमेंट है. साइंस डिपार्टमेंट में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे है. लैब्स इसके अलावा ये साइंस ब्लॉक की बिल्डिंग है. यहाँ पे मैथ्स डिपार्टमेंट एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट ऊपर की तरफ है, मैथ्स डिपार्टमेंट और मैथ्स के लिए लैब्स. ठीक है, इसका तो अभी कुछ आइडिया नहीं है क्या है, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में कुछ आइडिया. ऊपर की तरफ ये देख लो, ये बिल्डिंग यहाँ पे हाई बोल लो, हाई हो गया. और ये मैथ्स डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट के अलावा आपको यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, और इस तरफ पार्क. हेलो, तो मैंने यहाँ पे पूरा कॉलेज एक्सप्लोर करा. ठीक है, देशबंधु कॉलेज में ऑल ओवर वाइज रेटिंग 10 में से 8 है.
ठीक है। ये देशबंधु कॉलेज मेन बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ब्लॉक्स हैं, न्यू ब्लॉक है, ओल्ड ब्लॉक है, साइंस डिपार्टमेंट, और इसके अलावा पार्क्स हैं, ठीक है, पार्क्स और कैंटीन्स हैं एंड कैफेटेरिया भी है पीछे की तरफ, है ना। ऑल ओवर लगभग आई थिंक 10 या 11 एकड़ में इसकी बिल्डिंग है ना। मैं तो ऑल ओवर डे तो बहुत बढ़िया था, ठीक है, पूरा कॉलेज घूमा, कॉलेज में सीनियर्स है ना, कुछ कलीग्स, एक दो कॉलीग्स भी मिले, और पहला दिन कॉलेज का आई थिंक बहुत बढ़िया रहा, जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। ज़्यादा अभी क्लासमेट्स नहीं मिले क्योंकि हमारा सेशन शुरू नहीं हुआ, सेशन अभी शुरू होगा तो उसके बाद से हमारे क्लासमेट्स मिल जाएंगे, एंड देन देखते हैं क्या होता है आगे। अब तो पहला डे था ना कॉलेज का, पहला डे था, तो आई थिंक पहले दिन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा है, बस क्लासेज नहीं की, बस एक्सप्लोर करा है कि हाँ क्या है कैसे है। तो बहुत अच्छा बिहेव करा, तो सीनियर्स का भी बिहेवियर बहुत अच्छा लगा हमें, है ना। सीनियर्स की एक रिव्यू भी हमने पोस्ट में डाल रखा है, वो भी देखना, है ना। बाकी आपको अगर ब्लॉग ठीक लगे देशबंधु कॉलेज के बारे में, अगर कोई भी इन्फो चाहिए हो, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में कोई भी इन्फो चाहिए हो, अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप मे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको आंसर दे, ठीक है। और उसके अलावा बाकी लाइक करो, है ना, सब्सक्राइब करो, देखते हैं बाकी फर्दर इस क्या होता है कॉलेज में, डेली ब्लॉग इसके बाद डालते रहूँगा, है ना। चलो बाय बाय, सी यू सून। हेलो, आ गया मैं, ठीक है। ये देखो भाई, हमारा ग्रुप बन गया देशबंधु कॉलेज में। हाँ भाई, ऐसे दिखा के तो बहुत कूल हो जाएगा। कौन कौन है? ये है अभिषेक, ठीक है, ये नाम भाई, ये क्रिश।